तो इसका सबसे ज्यादा यूज जैसे किचन पॉलिश में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कांच की तरह पॉलिश है। नमस्कार दोस्तों, रवि मार्बल एंड ग्रेनाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ साउथ ग्रेनाइट के बारे में बताने के लिए। ये साउथ ब्लैक ग्रेनाइट बोलते हैं इसको। तो इसका सबसे ज्यादा यूज जैसे किचन या मॉल या किसी कॉम्प्लेक्स वगैरह में आपने कभी देखा होगा या कभी नोट किया होगा। अगर नहीं भी किया हो कभी आप नोट करना, देखना कि किसी मॉल या किचन में ब्लैक ग्रेनाइट का ये यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लैक ग्रेनाइट की शाइनिंग इतनी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है। पॉलिश भी बहुत अच्छी आती है इस ब्लैक ग्रेनाइट में। आप पॉलिश देख सकते हो, आप पॉलिश देखो एक बार, भैया दिखाओ इनको पॉलिश। पॉलिश में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कांच की तरह पॉलिश है, एकदम शाइनिंग मार रहा है। जैसे मिरर के सामने आप ही खड़े हो वैसे आपके सामने ये शाइनिंग मार रहा है, क्योंकि ब्लैक पे पॉलिश बहुत अच्छी आती है। इस पे कोई कलर या कन्वर्ट वगैरह नहीं किया हुआ है, ये ओरिजिनल कलर है साउथ का। इसमें मतलब कोई कन्वर्ट वगैरह नहीं किया हुआ है कि भाई लगाया तो धूप के अंदर लगा दिया तो महीना भर में इसका कलर उड़ गया या इसका कलर फेड हो गया, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात दिन चाहे इसमें धूप में रखो, कहीं पे भी रखो, कोई कलर फेड नहीं होगा और ये लोड भी पूरा सिमिलर आएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई क्रेकनेस नहीं है। अगर क्रेक भी आएगा भी तो आपको मेजरमेंट लेस करके दिया जाएगा। इसका मेजरमेंट है आपको मतलब फ्रेश मेजरमेंट करके ही दिया जाएगा, यानी कोई क्रेक आ गया 1 इंची 2 इंची 5 इंची तो वो आपको लेस करके ही दिया जाएगा मेजरमेंट फीते से। जिसकी हम लेंथ देख लेते हैं, देखो अभी आप मेजरमेंट लेंथ में देखते हैं क्या मेजरमेंट आ रहा है इसका लेंथ में। देखो 127 इंची आ रहा है, 128 कट रहा है तो हम आपके 127 इंची ही लेंगे। और हाइट की बात करें तो हाइट में 30 इंची आ रहा है, बराबर 30 इंची प्लस ये, तो हम 30 इंची ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्रेक आएगा, मान लो 2 इंची क्रेक आ गया तो हम 28 इंची मेजरमेंट ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट एक एक पट्टे का होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, पूरा हमारा विश्वास का काम है, फेथ का काम है। ये नहीं कि भाई आपको फ्रेश बोल दिया और क्रेक माल भरवा दिया, वैसा काम भी नहीं है हमारा। और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि ये ब्लैक ग्रेनाइट है, साउथ ब्लैक ग्रेनाइट, तो ये किचन में या उसके कहीं पिलर पे वगैरह पे लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा ब्लैक ग्रेनाइट का ही यूज किया जाता है, किचन हो चाहे मॉल हो। और हाँ दोस्तों, जैसे ये मान लो किचन में लगा दिया, इसकी ऊपर की धार या साइड की धार मोल्डिंग कर दी, तो ये नहीं कि भाई इसका कलर चेंज हो गया। ये साउथ ग्रेनाइट है, इसमें सेम पूरा कलर आएगा, चाहे इसकी मोल्डिंग करो या इसको कट लगाओ कैसे करो। किसी ग्रेनाइट में क्या है कि उसमें कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या मोल्डिंग करने पर वो वाइट हो जाता है और इधर ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ब्लैक वो कलर किया हुआ होता है, ये क्या है कि ओरिजिनल कलर है। और आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।